वैलेंटाइन डे को प्रेम के दिन के रूप में पहचाना जाता है। इस दिन प्रेमी अपने प्रेम का इजहार करता है। दमोह जिले के हटा ब्लॉक में पति पत्नी के प्रेम की मिसाल पेश करता एक स्मारक है, जिसमें एक कवि ने अपनी पत्नी की याद में पत्थर पर छेनी हथौड़े से अपने दिल की बात लिखी है। इस वार्ड का नाम कवि के नाम पर ही रमा कवि वार्ड रखा गया है। हटा नगर पालिका के 15 वार्डों में शुमार इस वार्ड की एक अनोखी पहचान ये प्रेम का स्मारक है। इस प्रेम के स्मारक को बनाने वाले लक्ष्मीकांत मिस्त्री मकान बनाने का काम करते थे। उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक था। 1921 में उनकी पत्नी रमा का निधन तेज बुखार के चलते महज 24 साल की उम्र में हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद मुक्तिधाम में पत्नी की याद में कुछ ऐसा करने की ठानी कि वह हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। उन्होंने हटा के मुक्तिधाम में एक बड़े पत्थर का सीना छेनी हथौड़े से चीर कर 4 भाषाओं में पत्नी की याद में प्रेम की इबारत लिख डाली, जो वर्षों बाद भी लोगों को प्यार की परिभाषा बता रही है। अमित प्रेम की निशानी हमारे हटा के महान कवि रहे, साहित्यकार रहे हैं रमा कवि जी, उनने अपनी पत्नी की स्मृति में, जबकि वो 24 साल की उम्र में दिवंगत हो गई थी, उनकी याद में हटा में एक हटा नगर में बहुत बड़ा स्थान है गौरीशंकर मंदिर, उसके पीछे स्मारक के रूप में उनका एक स्मारक स्थापित करवाया हुआ है। वो निश्चित रूप से एक अमित प्रेम की कथा है। प्रेम का जो समर्पण और जो त्याग है, उसका अगर किसी को अनुपम उदाहरण देखना है तो वो वहाँ रमा कवि जी द्वारा स्थापित इस स्मारक को देखकर अंदाजा लगा सकता है कि वास्तव में प्रेम और सच्चा समर्पण होता क्या है। यह स्मारक सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अमित प्रेम की निशानी के तौर पर जानी जाती है। प्रेम के अनुपम उदाहरण को यदि किसी को देखना है तो रमा कवि के बनाए इस स्मारक को देखा जा सकता है। कहते हैं यदि प्रेम किसी कवि या लेखक से किया जाए तो वो उसे अपनी कविताओं और साहित्य में सजा कर अमर कर देता है। मिस्त्री लक्ष्मीकांत ने अपनी लेखनी और अपनी कारीगरी से अपने प्रेम को वाकई अमर कर दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए अमर उजाला ऐप को डाउनलोड करें।